नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। तो ये किया है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम के आयात पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI है तो ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है तो ये है ऑप्शन डी, कंटीला चींटी खोर। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है ऑप्शन बी, ईडन गार्डन्स कोलकाता। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है ऑप्शन डी, बराक ओबामा। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है ऑप्शन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है ऑप्शन ए, यौगिक। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। PDA का पूर्ण रूप क्या है तो PDA का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है ऑप्शन बी, पीपल का वृक्ष। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है ऑप्शन बी, पंजाब। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया तो कूका आंदोलन को संगठित किया ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया तो लॉर्ड रिपन। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली तो मोहम्मद बिन तुगलक। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली तो गुरु गोविंद सिंह। दारा सिखो और एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है तो सामूगढ़ का युद्ध। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है तो ऑप्शन डी, धरातल पर। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहते हैं ऑप्शन ए, सुदूर संवेदन या सेंसिंग। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है ऑप्शन ए, अवतल। खालिस्तान उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थायी नेटवर्कों को जोड़ता है ऑप्शन बी, मैन। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है ऑप्शन सी, कोयला। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है
ऑप्शन ए मैसूर में स्थित है। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं, बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, अकबर बनाम हेमू। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? ऑप्शन डी दर्रा। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि की जाती है उत्तर पूर्व भारत में। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा होती है चक्रवातीय गतिविधि के कारण। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे जो कि सिकंदरा में है को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ऑप्शन बी राजा राम। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल क्या है एक? ऑप्शन सी एक डाक सेवा है। क्या है? एक डाक सेवा। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो ऑप्शन सी शीशा। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी गुजरात। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन डी 2007। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलज नदी। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा असम। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो बीजी तिलक। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो। अगला है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये है ऑप्शन डी बिहार। कहाँ से है? बिहार। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? तो ऋग्वेद। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? ऑप्शन बी गुरु रामदास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।